पिछली वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे किया था एंड, तो दूसरी वीडियो के हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ते से आप लोग सीधा जाने के बाद तकरीबन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 3 से 3.5 किलोमीटर जाने के बाद आप लोगों को मिरिक का जो रोड है, मेन हाईवे, उसमें ये रास्ता मिलता है। तो बोल एक तरीके से बोल सकते हैं ये रास्ते को कि मिरिक जाने का शॉर्टकट रोड है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इधर से अगर पीछे जो हिल है, इस हिल से आने से हम लोगों का मिरिक जाने का शॉर्टकट होगा ये रोड। तो लेकिन एक ही बात है, मिरिक का जो हाईवे है ये बहुत चौड़ा है, ये उतना चौड़ा नहीं है रास्ता, और खड़ा है बहुत। ये जो खड़ा और चौड़ा है, ये सब ब्रिक्स आप लोगों को लेके इस रास्ते पे तब आना पड़ेगा। तो ये जो रास्ता है, ये तो बहुत दिन पहले से ही था, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की वजह से ये रास्ता बंद हो गए थे। तो अभी इस रास्ते को फिर से चालू कर दिया है, रास्ता फिर से बना के। और इधर जो रिवर देख रहे हैं, यह है मेची रिवर, और उसका उस साइड पे नेपाल बॉर्डर है, नेपाल है बोल सकते हैं। और उन्हें मेची रिवर जो पाहिल शुरू होते हैं वहाँ पे मैं भी एक ब्लॉग बनाया था, लोहागढ़ ब्लॉग, वो लोहागढ़ वही जगह पे है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, गाड़ी पे बैठ के कैमरे पे वापस आते हैं। तो पता ही है, हम हर वीडियो के लास्ट में बोलते हैं इस जगह पे आप लोग आना चाहेंगे तो कैसे आए। तो अभी जो जगह है, ये जगह में आने के लिए सबसे शॉर्टकट, मतलब सबसे इजी है, इतना दिन जितना मैं वीडियो बनाया था इन सब में ये सबसे इजी रोड है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को आना पड़ेगा पानीघाटा। तो पानीघाटा तक आने के बाद दुधिया, दुधिया से जो मिरिक का रोड जाता है वहाँ पे नहीं जाके मिरिक का रोड में नहीं उठना है, वहाँ से सीधा जाना है। सीधा जाके मुक्तिखोला पिकनिक स्पॉट, आप लोग को गूगल मैप पे भी सर्च करोगे कि मुक्तिखोला पिकनिक स्पॉट, तो इजीली आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही थकान हो रहा है क्योंकि बहुत ही चढ़ाई है इस रास्ते पे, कैमरे में उतना नजर है। तो मुक्तिखोला पिकनिक स्पॉट आने के बाद वहाँ पे जो पीछे रास्ता जाता है उस रास्ते पे सिर्फ ऊपर उठना है, और ज़्यादा नहीं 5 से 6 किलोमीटर ऊपर उठने के बाद ही आप लोगों को ये व्यू पॉइंट मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है, आप की फैमिली को, फ्रेंड के साथ, सबके साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा इस जगह पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ से सीधा जाने का हम लोग तो यहाँ पे लास्ट है एंड पॉइंट, इसके बाद हम लोग रिटर्न करेंगे यहाँ से। और इससे थोड़ा आगे, मतलब 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक गांव है, गांव पे जाके एक नीचे जाके एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल भी है, देखने के लिए जा सकते हैं। और आप लोग मेरे पीछे कैमरा में नज़र नहीं आ रहे, कुछ देर बाद मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ, तो वाटरफॉल भी घूमने के लिए जा सकते हैं। और व्यू पॉइंट तो बहुत बढ़िया है, पहले ही बोल दिया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ वेस्ट बंगाल ये जगह। झाऊ पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब आप अगर आप नीचे से देखते हैं ना हिल पे, तो भी आप लोगों को नज़र आएगा। तो उस जगह पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब मैं इस रास्ते से नहीं आऊँगा, तब मैं मेन जो हाई रोड है मिरिक जाने का उस रोड से आऊँगा। अभी हम लोग जितने ऊपर गए थे एकदम टॉप ऊपर, उससे नीचे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग है पुटुंग के ऊपर, हम लोग यहाँ से घर जाएंगे क्योंकि यहाँ से हम लोग का शॉर्टकट है। तो आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाते हैं हम लोग कितने ऊपर गए थे। तो अभी हम लोग यहाँ इस जो हिल है इसके ऊपर जो टावर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एकदम उतना तक ऊपर गए थे, उससे तो व्यू तो आप लोग देख लिया कितना खूबसूरत व्यू है। वो जो रास्ता था जहाँ पर हम लोग गए थे, वो लास्ट हम लोग मैं लास्ट गया था 25 दिसंबर, तब तो रास्ता एकदम ख़राब था, मतलब यहाँ पर जो दिखते हैं मिट्टी, ऐसा मिट्टी का रास्ता था ठीक सिर्फ। तो हम लोग उतना ऊपर जा नहीं पाए थे तब, लेकिन आज हम लोग ने बहुत ही ऊपर चढ़ गए थे। और यहाँ पे जो ये रास्ता है, ये जो रास्ता दिख रहा है ना,
ये भी कुछ दिन पहले ही बनाया है, नया रोड है एकदम। आगे का जो रास्ते का कंडीशन है वो हम मैं वीडियो में डाल दूंगा बीच में, तो देख लेना। तो तब भी बहुत ही बुरा कंडीशन था, अभी तो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से एकदम पीछे जो हिल है वो हिल का नाम है छोटा टिंगलिंग, वहाँ पे भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही हाई रास्ता है और टाफ है रास्ता, पैदल भी देख सकते हैं। वहाँ पे जो हिल का लोग हैं वो लोग मतलब क्या बोलो बूढ़े हो गए, लेकिन यहाँ से हिल पे वो लोगों को पैदल ही आना है। और यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम लोग सोच रहा तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जाएंगे तो पुटुंग के अंदर से ही, तो पुटुंग का भी एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं, देखते हैं। वीडियो अगर ये दो नंबर पार्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वो पुटुंग का वीडियो तीन नंबर पार्ट में डाल देंगे, क्योंकि अभी तो मैं लगभग 15 दिन तक वीडियो बना नहीं सकूँगा, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम चालू हो गया है, तो एग्ज़ाम पे टाइम पे तो हम लोग बहुत ही लिखना है, तो पढ़ाई करना है, तो इसलिए तीन पार्ट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। आपका भाई ऐसा वीडियो हर रोज़ नहीं लाएगा, लेकिन महीने में तो 4-5 वीडियो आ ही जाएगा, तो अपलोड कर रहा हूँ हम मैं। तो चलो अभी